हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और आज शीशा आपके जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर किए जा सकते हैं या नहीं डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और स्टैटिक मेथड के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो अपनी प्रीवियस वीडियोज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूं तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। और अगर मैं स्टैटिक फंक्शन की बात करूं तो स्टैटिक फंक्शन के केस में मैंने ये चीज बताई थी कि स्टैटिक फंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होते हैं, हमेशा स्टैटिक फंक्शन क्लास के नेम के साथ कॉल होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो स्टैटिक फंक्शन वैसे भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं तो इसका आंसर है यस, कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल वैसे भी नहीं करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में क्लास के नेम के साथ हम स्टैटिक फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। आप देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अब इस क्लास में मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया डेटा के नाम से और यहां से रिटर्न करवाया मैंने x प्लस y। अब मैं गई अपनी डिफॉल्ट क्लास में, मैंने यहां पे कॉल करवाया रिस्पॉन्स डॉट राइट। मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम था एबीसी, एबीसी डॉट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया तो मुझे डेटा नाम का फंक्शन मिल गया। तो मैंने यहाँ पे डेटा डाला, इंप्लीमेंट किया 3.5। तो क्योंकि मैं इसका सम करवा रही हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो 15 आ जाना चाहिए। तो अपने कोड को एग्जीक्यूट, तो उसने मुझे मेरा आउटपुट लाकर दे दिया। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो हम अपने स्टैटिक फंक्शन को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं और हम उसकी इजीली वहां पर कॉलिंग भी करा सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन क्रिएट हो सकते हैं, तो उसका आंसर होगा यस, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किए जा सकते हैं। बस फर्क क्या है कि हम इन फंक्शंस को, स्टैटिक फंक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करके नहीं चल सकते। कि अगर मैं चाहूं कि, अब देखिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं मिल रहा, कि अगर मैं चाहूं कि स्टैटिक फंक्शन को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करके चल सकूं तो वो हम काम यहाँ पे नहीं करके चल सकते हैं। हम नॉर्मल स्टैटिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैटिक फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि जिसे हम अपनी डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंट करके चल सकें। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।